लोकसभा चुनाव 2024 के अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे। किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं बाराबंकी में, और बाराबंकी में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के कार्यालय यानी कि कांग्रेस कार्यालय कह लीजिए, यहां पे मौजूद हूं। और हमारे साथ कांग्रेस के यहां पे कार्यकर्ता, अगर बाराबंकी लोकसभा सीट की बात करें तो ये लोकसभा सीट कांग्रेस के पक्ष में है और यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी। जान लेते हैं कि इस बार क्या रुझान है। बीजेपी ने भी समाजवादी पार्टी के वोट में सेंधमारी के लिए अपना प्रत्याशी चेंज किया है और यही आंकड़ा लगाया जा रहा है कि शायद समाजवादी के जो वोटर्स हैं उसमें वो अपना सेंधमारी कर सकें। तो बीजेपी के इस रणनीति को कैसे देखते हैं, क्या सक्सेस होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश के अंदर से पूरा सपना साफ होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की इस समय इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश के अंदर देश के अंदर सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व, उत्तर प्रदेश के जितने केंद्रीय मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, बौखला गए, उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। और बाराबंकी की लोकसभा की बात है, इंडिया गठबंधन की, बाराबंकी लोकसभा में इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा मतों से जीतने जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो प्रत्याशी है, लोगों, जनता जान रही कि भारतीय जनता पार्टी ने हर बार नया चेहरा दिया। 2014 में नया चेहरा दिया, 2019 में नया चेहरा दिया, उन्होंने काम के नाम पर जीरो काम किया, यानी जनता से कोई सांसद मिला नहीं, चाहे 14 के सांसद रहे हो चाहे 19 के सांसद रहे। बाराबंकी में माननीय सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया जी ने जब से 2009 में सांसद बने, उन्होंने बता दिया कि सांसद होता क्या है, यानी जनता को पहले नहीं पता था सांसद होता क्या है। जब पुनिया जी जब आए, कोई भी समस्या होती थी, चाहे एमएसटी का हो चाहे कोई सरकारी विभाग का काम हो, पुनिया जी ने लेटर लिखना शुरू किया, लोगों को, जनता से मिलना शुरू किया, लोग जाने कि यहाँ बाराबंकी में सांसद होता है। जब से भारतीय जनता पार्टी के सांसद आए, पहले आपके 14 में आए, उनका नया चेहरा दिया, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट ले लिया। 19 में एक सांसद आए, उन्होंने मोदी के नाम पर वोट ले लिया। अब मोदी का जादू, इस बार भी तो मोदी का ही जादू चल रहा है ना। देखिए, मोदी देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से बौखला गए, उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। जनता जाने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया, वो राहुल गांधी ने यात्रा की, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा की, आपसे मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक की यात्रा की, उन्होंने जनता से, लोगों से रूबरू होकर मैनिफेस्टो पूरा तैयार किया। जनता की जो समस्या थी वो मैनिफेस्टो में रखा। क्या क्या मैनिफेस्टो क्या है आपके मैनिफेस्टो में, प्रधानमंत्री चुनाव सभा पे एक चीख चीख के कह रहे हैं। देखिए, मैंने क्या किया, उन्होंने उल्टे सीधे बयान किया मैनिफेस्टो का पूरा पूरा। गहना और मंगलसूत्र, देखिए मंगलसूत्र तो उन्होंने खुद ही अपनी पत्नी का छीन लिया। उन्होंने वो अपने पहले मंगलसूत्र की अपनी रक्षा करें, उसी पत्नी अपनी पत्नी का मंगलसूत्र वापस कराए, और जो स्मृति ईरानी है अपनी सहेली का मंगलसूत्र छीन लिया। ये मंगलसूत्र की बात करेंगे, जो एक उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे उन्होंने मंगलसूत्र पहनाया नहीं किसी को, वो मंगलसूत्र की बात करेंगे। आज मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, कभी हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, कभी जातवाद की बात कर रहे हैं, कभी विकास के नाम पर इन्होंने वोट मांगा। जो 10 साल में विकास किया हो, 10 साल में अगर देश के प्रधानमंत्री ने विकास किया होता तो 10 साल में विकास के नाम पर वोट मांग गए होते। आपके जो कोरोना काल में लोगों को जान गंवानी पड़ी, किसानों के साथ अत्याचार अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जो किसान 700 शहीद हुआ उसका जवाब कौन देगा। आज देश की जनता सवाल पूछ रही है, जो आज कोरोना काल में जितनी हमारी मां बहने पैदल चलते हुए उन्होंने दम तोड़ दिया, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा, उसका हिसाब किताब कौन देगा। जो आज नौजवान परीक्षा देने जाता है, पेपर लीक हो जाता है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किसने किया, भारतीय जनता। इस बार मोदी सरकार ने रोजगार की गारंटी दी है ना, देखिए संकल्प पत्र आपने नहीं पढ़ा। देखिए, मोदी सरकार रोजगार की नहीं, लॉलीपॉप की गारंटी देती। मोदी सरकार का नाम है लॉलीपॉप की गारंटी, ये मोदी सरकार की रोजगार की गारंटी नहीं। कभी मोदी सरकार कहते मैं हूं चौकीदार, कभी कहते आज आपकी नारा दे दिया मेरा परिवार मोदी परिवार। कौन परिवार मोदी का, मोदी का जब खुद ही परिवार नहीं है, दूसरे के परिवार की चिंता बात कर रहे हैं। उन्होंने पूरे देश को परिवार मान लिया ना, देखिए देश को ही अपना परिवार मान लिया। देखिए, इन्होंने कहा देश को परिवार तो मान लिया,
अब देश इनको परिवार क्या समझ रहा है आपके 24 में पता चल जाएगा। देश ने पूरी तरीके से 400 सीटें के साथ पता चले। देखिए देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीट 150 के अंदर सिमटने वाली है। आज मैं जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सीट 150 के अंदर सिमटने वाली है। इंडिया गठबंधन की 350 सीटें आने वाली है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी मैं आपसे कह रहा हूँ, चाहे इन्होंने मंदिर के नाम पर मस्जिद के नाम पर किया हो, जनता जान रही है हमको रोजगार चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, हमको स्वास्थ्य चाहिए, किसान परेशान है। आज कहाँ किसान परेशान है, काहे ने किसान परेशान है, कौन सरकार दे रही है ना? देखिए सम्मान निधि की बात कर रहे हैं आप, 2000 सम्मान निधि कर रहे हैं, एमएससी में आपने कितना खाद में कितना गिरा दिया, खाद में आपने 10 किलो कम कर दिया। एमएससी की बात कर रहे हैं आप, एमएफसी की गारंटी नोट कभी दिया? किसानों का कर्जा माफ किया? किसानों का कर्जे की बात कर रहे थे, यही किसान कर्जा माफ किया गया था, 200 रुपए का किराया खर्च करके 1 रुपए का सर्टिफिकेट दिया। किसान को अपमानित करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। किसान इसका जवाब देने के लिए तैयार है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सपना साफ हो जा रहा। क्या कहना चाहेंगे भैया, 400 पार का नारा और मोदी गारंटी बोल, प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां सब कुछ खत्म होता है वहां मोदी गारंटी चालू होती है। वो तो कह रहे थे कि 15 लाख रुपए हर खाते में किसानों के आएंगे, तो 15 लाख रुपया सब किसानों के खाते में आ गया, ये तो खाली जुमलेबाजी है। मुंह से कहना और करने में बहुत बड़ा फर्क है। एक 5 साल के लिए यहाँ पे प्रधान पंचायत तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, विकसित देश बनाने के लिए मोदी जी 24 घंटा काम कर रहे हैं। अभी आज ही रेल मिनिस्टर का बयान आया है। अरे वो तो ढकोसले बता रहे हैं, उनको जो मुंह से आ गया वो कहेंगे, उनको दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो बौखला गए हैं। उनको मालूम हो गया है कि हमारी सीट उत्तर प्रदेश में 150 आ रही है, वो 400 पार का नारा खाली कर रहे हैं। किसान परेशान है, हर आदमी घर छोड़ के खेत में लेटा हुआ है, अपने बीवी बच्चा छोड़ रहा है, सब लोग छोड़ रहा है। वो वही डाया जो है, जो 700 रुपए में कांग्रेस की गवर्नमेंट में 600 में मिल रही थी, वो 1500 रुपए में मिल रही है। किसान परेशान है, तरह तरह हो रहा है। 15 लाख का ऑफर दे रहे हैं कि 15 लाख खाते में आ गए, कितना झूठ बोलेंगे। अब सब जान चुका है, सब किसान समझ चुका है। 5 साल के लिए प्रधान एक बनाया जाता है पंचायत में, और जो 5 साल के लिए प्रधान नहीं काम कर पाता है तो उसको हटाया जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष जो जिसको टिकट दिया है जनता पार्टी ने, तो इसको टिकट दिया है 3.5 साल हो गए हैं जिला पंचायत अध्यक्ष है, और जिला पंचायत जो सदस्य हैं वो गांव के जाने के लिए काबिल के नहीं है। गांव किसी गांव में जाएंगे लुलवा लिए जाएंगे। परेशान है जनता लोग, क्यों कि 3.5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, और फिर उनको टिकट 3.5 साल का छोड़िए, 10 साल वाला बताइए, मोदी जी वाला बताइए। मोदी जी के विकास से आप कितना खुश हैं? मोदी जी वो तो सब जानता जान ही रही है, कह रहे हैं कि हम खेत में 2000 रुपये सब लोगों को दे दिए। जनता आपको कोई जिम्मेदारी से वोट दे रही है, मोदी के नाम पे वोट दे रही है, और तुम जनता से पैसे 2000 रुपए खाते में दे रहे हो तो उसके पूरी सर्टिफिकेट ले रहे हो, उसकी खेतौनी जमा करवा रहे हो, उसका आधार जमा करवा रहे हो, उसका पहचान पत्र जमा करवा रहे हो। वो जनता आपको जिम्मेदारी दे के नहीं वोट दे, आपको जिम्मेदारी समझ के वोट दे रहा हो, आप उसका डॉक्यूमेंट पूरे जमा करवा रहे हैं। क्या जनता के लिए आप कर रहे हैं यार? इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में कितने? 350 पूरे भारत में, पूरे भारत उत्तर प्रदेश में जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पे कितने? यहाँ योगी जी ने कहा 80 में 80 हम जीत रहे हैं। अब ये तो ढकोसला बता रहे हैं, हम 70 में 75 जीत रहे हैं ये कह दें, वो बखला गए हैं योगी बाबा, उनको समझ में नहीं आ रहा है। 80 में 80 दावा है, वो कह नहीं पा रहे हैं। वो ये कहना चाहिए उनको कि इंडिया गठबंधन 70 से 75 सीट जीत रही है यूपी में, तो आप 70-75 सीटें जीत जी। आइए कुछ और लोगों से बात। आपके हाथ में ये संकल्प पत्र है कांग्रेस की, इसमें कुछ वो लिखा है कहाँ जो प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे थे भैया, जो प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता लोग कह रहे हैं स्टेज से, उसमें इसमें कुछ है क्या ऐसा लिखा होगा? देखिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं इससे हमसे मतलब नहीं। जनता इस बार जो राहुल गांधी जी ने 5 गारंटी दी है उसके ऊपर वोट करने जा रही है। वो अपना तो न्याय की गारंटी, नारी न्याय के साथ उन्होंने जो कहा है, जो राहुल गांधी जी ये पंपलेट बट रहे हैं वो किसानों के लिए उन्होंने अच्छी घोषणाएं की है, कर्ज माफी की उन्होंने बात कही है, जीएसटी से किसानों से मुक्ति की बात कही है, ठीक है, और महिलाओं को जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उनको भी 1 लाख रुपए देने की बात की है, और जो बेरोजगार पढ़े लिखे शिक्षित हैं उनके लिए भी उन्होंने अच्छी अच्छी घोषणाएं की है, और गारंटी पत्र हम लोग भरवा रहे हैं कि जैसी हमारी सरकार आएगी पहले ही कैबिनेट में ये इंडिया गठबंधन की जो सरकार बनेगी उन्होंने पूरा करने का वादा किया है। और कांग्रेस पार्टी का यह मानना है और सब लोग ये हिंदुस्तान में मानते कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है, इसमें जरा से भी दुविधा वाली बात नहीं। कहां कांग्रेस, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस आई तो संपत्ति की जांच होगी गरीबों की, समाजवादी आधा ले लेगी, आधा राहुल गांधी ले लेंगे, वो तो जब दूसरे चरण में, जब 2 चरण का चुनाव हुआ
और उनकी हालत जब खराब हो गई ना तो वो वही पुराने रटे रटाए हिंदू मुस्लिम और इधर उधर की अनाप शनाप बात करते हैं। आप किसी गांव में चले जाइए और पूछ लीजिए तो उनकी हालत खराब है। आप 2000 रुपए की बात करते हैं, आप 2000 की बात आज आप देख लीजिए, किसी से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी कृषि उपकरण है, हर चीज महंगी हो गई, दवाइयां महंगी हो गई, लेबर चार्ज महंगा हो गया, तो जो किसान है उसकी उसकी बचत नहीं हो पा रही। फिजा कोई नहीं, मोदी की सारी फिजा खत्म हो चुकी है। क्यों, मोदी लहर का क्या हुआ? काहे का लहर, मोदी लहर, मोदी गारंटी? मोदी गारंटी कोई नहीं, गारंटी सिर्फ कांग्रेस की। मोदी गारंटी का क्या? मोदी की गारंटी सब झूठी है, सब जुमलेबाजी है, कोई गारंटी मोदी की है ही नहीं। अरे कह रहे हैं प्रधानमंत्री, जहाँ सब हाँ, खत्म होता है मोदी गारंटी चालू होती है। 10 साल हो गए, 15 लाख रुपए किसी खाते में आया, आप बताए, आप बताओ खुद आया किसी खाते में? 15 लाख पे विश्वास होगा? नहीं नहीं, वो ये गारंटी थी मोदी की, 2 करोड़ नौकरी साल में से किसी को नौकरी मिली? एक आदमी आप सबसे पूछे किसी को नौकरी मिली? मोदी सिर्फ झूठ के सिवाय कुछ नहीं बोलते। योगी मोदी की सरकार सिर्फ झूठ और जुमले पे रुकी हुई है, जो यहाँ की जनता पहचान चुकी है। इस बार इनको जाना है, हर हाल में जाना है। तो इस बार संकल्प पत्र में युवाओं को रोजगार की गारंटी, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की गारंटी। लखपति नहीं, जो गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला होगी बड़ी, उसके खाते में 1 लाख रुपया उसके परिवार को मजबूती के लिए जाएगा। 1 लाख रुपया 8500 रुपया महीना, 1 लाख रुपया सालाना नौजवानों को, जो जो डिप्लोमा होल्डर है। ये तो कांग्रेस का है ना, हम कांग्रेस की गारंटी होता है। मोदी जी ने भी कहा हम 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बना देंगे। वो सिर्फ झूठ के सिवा उनके पास कुछ नहीं, झूठ का पुलिंदा है। 3 करोड़ परिवारों को 2 करोड़ नौकरी दे रहे थे, हम 30 लाख नौकरी जो पद खाली है उनकी बात कर, हम भी कह सकते थे हम 3 करोड़ नौकरी देंगे, कांग्रेस भी कह सकती थी। लेकिन ये कांग्रेस का जो संकल्प गारंटी पत्र जो भरवाया जा रहा है, 10,000 किलोमीटर पैदल चल के राहुल गांधी जी, जो ये भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके जो इन्होंने 5 गारंटी निकाली है, 5 गारंटी। आप कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी पूरे देश को देख लिए क्या हालत, हर आदमी, हर गरीब को जरूरत है, हर गरीब को दुख दर्द समझ के हाँ। जो 25 गारंटी और 5 न्याय दिए उन्होंने, इसमें पूरे बीजेपी की हालत खराब हो गई। राहुल जी जो कह रहे हैं इसके बाद मीटिंग में, बस मोदी का रोना बचा किसी दिन आंसू भी उनके निकल आएंगे। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें फिर आप जीत रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 60 से 70 सीट के बीच में हम जीतेंगे। ठीक, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये मैं मौजूद था बाराबंकी में कांग्रेस कार्यालय पे, और यहाँ पे मैंने कार्यकर्ताओं से बात की। जिस तरह से आप जोश देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मोदी जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई नजर आ रही है दूसरे चरण के मतदान के बाद भी, और इसलिए कहीं ना कहीं इस तरह से बयानबाजी हो रही है। और कांग्रेस ने जो पूरे देश में, यानी खास करके राहुल गांधी न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा से जो पूरे देश को आकलन किए हैं, हालात देखे हैं, गरीब आदमी के हर परेशानियों को, दिक्कत को उन्होंने देख के उस हिसाब से ये न्याय पत्र, संकल्प पत्र बनाया गया, ताकि देश के आम जनता की जरूरत क्या है। अब आप इन सब मुद्दों पे क्या रहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय आप लोग जरूर रखें।